ठीक लास्ट टाइम यहाँ से हमने जो है वो छोड़ा था, और इसी को हम देखते हैं। जो हाँ, पहले हमने इस एग्जांपल को देखा, और इसमें हमने ये देखा कि हमारे पास तीन प्रोसेसेस हैं। अगर वो इस ऑर्डर में आते हैं कि पहले P1 आया, फिर P2 आया, और फाइनली P3 आया, तो उसके बाद उसमें होता ये है कि P1 जो है उसका बस टाइम हमने देखा कि सबसे ज्यादा था, और उसकी वजह से हमारा एवरेज जो वेटिंग टाइम है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। वो 17 साइकल्स के बराबर आया, या 17 मिली सेकंड्स के बराबर आया। तो उसके बाद हमने ये देखा था कि अगर हम जो है वो इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, लाइक हमारे पास यही प्रोसेस हैं और इनका बस टाइम जो है वो भी इतना ही है, लेकिन वो पहले इस तरह से, मतलब उनका अराइवल जो है वो इस तरह से है कि पहले P2 P3 आते हैं और एंड में P1 आता है, तो उससे क्या होता है कि आपका जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि P2 और P3 आपको पता है कि दोनों तीन तीन साइकिल्स में कंप्लीट हो गए हैं, और बाद में P1 जो है उसको CPU का कंट्रोल मिल गया। तो यहाँ पे हमने जब कैलकुलेट किया था, तो हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम जो था वो 3 साइकिल के बराबर आया था। तो एंड पे एक चीज जो है वो ये डिस्कस हो रही है कि अगर क्या होगा कि अगर आपके पास जो है वो अगर आपके पास जो है वो शॉर्ट प्रोसेस होंगे, और उसके आगे जो है वो एक बहुत बड़ा प्रोसेस लगा हुआ होगा, तो इसको एक कॉनवाय इफेक्ट कहते हैं। कॉनवाय इफेक्ट आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक सड़क है, उसके ऊपर एक गाड़ी जा रही है, मतलब तीन चार गाड़ियां जा रही हैं। सबसे आगे जो है वो बड़ी गाड़ी है, और एक ही लेन है आपकी, और आप उसको उसकी साइज की वजह से छोटी गाड़ियां जो उसको ओवरटेक नहीं कर पा रहे। अगर मैं आप इसको इसकी तस्वीर के जरिए आपको बताना चाहूँ, तो मैं आपको एक वेब पेज की तरफ लेके जाता हूँ कि कॉनवे इफेक्ट जो है वो क्या होता है। ये यहाँ पे देखें कि आपके पास जो है वो एक लॉन्गर जॉब है जो कि आगे है, और उसके पीछे जो है वो छोटे जॉब हैं। ये ऐसी जॉब हैं जो कि थोड़े टाइम के अंदर भी कंप्लीट हो सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि साथ ही वहां पे स्लाइड पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर आपके पास एक है, बड़ी जॉब है जो कि CPU इंटेंसिव है, यानी जिसका CPU बस बहुत ज्यादा है, और छोटी जॉब ऐसी है जिनका IO बस ज्यादा, तो फिर क्या होगा। तो अगर इन केस के IO बस वाली जॉब जो है वो इससे आगे भी हैं किसी भी तरह से, तो वो इवेंचुअली जो है वो इसके पीछे आ जाएंगे। वो किस तरह से इसके पीछे आ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये तीनों जो प्रोसेसेस थे, ये तीनों गाड़ियां जो कि तीन प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये IO बाउंड जो है वो प्रोसेसेस हैं, और ये जो है ये लॉन्गर जॉब से आगे आ रहे हैं। उसमें होगा क्या कि ये थोड़ा सा एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट करने के बाद ये आपके पास IO के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, IO क्यू में चले जाएंगे, उसके बाद ये एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा, उसके बाद ये IO के लिए रिक्वेस्ट करेगा, IO क्यू में चला जाएगा, इसी तरह ये IO के लिए रिक्वेस्ट करेगा, IO क्यू में चला जाएगा, और इवेंचुअली आपका प्रोसेस जो है, या सॉरी आपका जो CPU जो है वो इस प्रोसेस को मिल जाएगा जो कि ज्यादा जिसको CPU बस चाहिए। ठीक है, और ये तीनों जब IO क्यू से वापस निकलेंगे, तब तक ये जो है वो एग्जीक्यूट कर रही होगी बड़ी जॉब। इस वजह से इन तीनों को, जो छोटी जॉब्स हैं उनको लॉन्गर जॉब जो है उसके पीछे आके लगना पड़ेगा रेडी क्यू में, और इनको काफी ज्यादा वेट करना पड़ेगा। ये वाला जो इफेक्ट है इसको आप कहते हैं कि ये कॉनवाय इफेक्ट है, और ये प्रोड्यूस होता है जब आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम जो है उसको यूज करते हैं, और आपके पास बड़ी जॉब्स हैं वो CPU का कंट्रोल ले लेती हैं और उसको छोड़ती नहीं है, क्योंकि हम उसमें हम प्रीएम्पशन नहीं कर रहे हैं। अच्छा, वापस जाते हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट जो है एल्गोरिदम उसको डिस्कस करते हैं कि वो क्या है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ये एल्गोरिदम ये कहती है कि सबसे पहले आपने उसको प्रोसेस करना है, उस प्रोसेस को प्रोसेस करना है जिसका रनिंग टाइम जो है वो सबसे कम होगा। इसमें एक चैलेंज ये होगा कि आपने रनिंग टाइम जो है उसको कैलकुलेट कैसे करना है, यानी आपके पास प्रोसेस आ रहे हैं, आपको उसके रनिंग टाइम का कैसे पता होगा।
अब एक तो इसके दो तरीके हैं, एक तो ये है कि आप यूजर से पूछ लें कि ये जो जॉब आ रही है उसका रनिंग टाइम कितना है, उसको सीपीयू का कितना टाइम चाहिए होगा, और दूसरा एक तरीका ये है कि आप कोई फार्मूले के जरिए उसकी कैलकुलेशन करते हैं कि जो नेक्स्ट जॉब आएगी उसका रनिंग टाइम जो है वो एस्टिमेटेड रनिंग टाइम कितना होगा, और आप एक्चुअल रनिंग टाइम की बजाय जो एस्टिमेटेड रनिंग टाइम है उसके ऊपर अपना डिसीजन जो है वो कर। इसके जो स्टेप्स हैं वो ये हैं कि हर एक प्रोसेस के साथ सीपीयू बस या एस्टिमेटेड सीपीयू बस जो है उसको अटैच कर देते हैं, और इन लेंथ को यूज करते हैं आप अपने स्केड्यूलिंग डिसीजन के लिए। और स्केड्यूलिंग डिसीजन जो है बहुत इजी है कि स्केड्यूलिंग डिसीजन ये करना है कि वो जॉब ले लें जो कि जिसका कि रनिंग टाइम सबसे कम, ठीक है, यदि आप अपने रेडी क्यू में देखेंगे और उसमें देखेंगे कि जो सबसे छोटी जॉब होगी उसको आप नेक्स्ट सीपीयू जो है वो दे दें। SJF इज ऑप्टिमल, ये एक चीज है जिसको जिसके बारे में हम देखते हैं कि ऑप्टिमल का मतलब है ये है कि इन टर्म्स ऑफ रनिंग टाइम, यानी एवरेज, सॉरी रनिंग टाइम नहीं, एवरेज वेटिंग टाइम के लिहाज से, कि अगर आपके पास कोई भी एनी नंबर ऑफ प्रोसेस हैं और उनको आप शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के साथ जो है वो उसको स्केड्यूल करते हैं, तो वहां पे जो आपका एवरेज वेटिंग टाइम आएगा उससे कम एवरेज वेटिंग टाइम आना पॉसिबल नहीं है किसी भी दूसरी एल्गोरिथम के, चाहे वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो, चाहे वो प्रायोरिटी हो, चाहे और किसी भी तरह की एल्गोरिथम हो। तो SJF का जो एवरेज रनिंग टाइम होगा वो ऑप्टिमल होगा। ऑप्टिमल का मतलब ये है कि एक ऐसा, सॉरी रनिंग टाइम मैं दोबारा बोल के हूँ, एवरेज वेटिंग टाइम ऐसा होगा जो कि ऑप्टिमल होगा, यानी ऐसा जो होगा एवरेज वेटिंग टाइम होगा कि जिससे कम एवरेज वेटिंग टाइम अचीव करना किसी दूसरी एल्गोरिथम से आपके लिए पॉसिबल ना हो। उसके बाद इसी एल्गोरिथम का एक प्रियम्प्टिव वर्जन है। प्रियम्प्टिव का मतलब हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था कि आप प्रियम्प्ट करते हैं, यानी कि एक आपके पास जो जॉब है, या जॉब और प्रोसेस को मैं इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूँ, और वैसे भी इन जनरल ये OS में इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, कि अगर आपका जॉब एक एग्जीक्यूट कर रही है सीपीयू पे और उसने IO के लिए भी रिक्वेस्ट भी नहीं की और उसने टर्मिनेट भी नहीं किया, उसके बावजूद आप किसी और वजह से अगर उससे सीपीयू वापस ले लेते हैं, तो आप ये कहते हैं कि आप उसको प्रियम्प्ट कर रहे हैं, आप उससे सीपीयू वापस ले रहे हैं। एक वजह सीपीयू वापस लेने की ये होती है कि आप टाइम स्लाइसेस जो है वो एलोकेट करते हैं, और किसी जॉब या प्रोसेस का टाइम स्लाइस जो है वो एक्सपायर हो गया तो उससे आप सीपीयू वापस ले लेते हैं, उसको प्रियम्पशन कहते हैं। तो प्रियम्पशन इसका जो प्रियम्प्टिव वर्जन है उसको हम कहते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। उसमें क्या होगा कि आप सबसे पहले तो शुरू में तो वही करेंगे कि आप सबसे जो छोटी जॉब होगी उसको उठाएंगे, उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपकी सबसे जो छोटी जॉब थी वो थी 5 मिलीसेकंड की, आपने उसको उठाया, उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया, 2 मिलीसेकंड के बाद आपने देखा जी कि अच्छा ये जॉब जो है इसका रिमेनिंग टाइम जो है वो 3 मिलीसेकंड रह गया, लेकिन आपके पास एक नई जॉब ऐसी आ गई है जिसका रनिंग टाइम जो है वो 2 मिलीसेकंड है, तो आप इस जॉब को बाहर निकालेंगे, इससे सीपीयू वापस लेंगे, इसको प्रियम्प्ट करेंगे, और आप वो जो 2 मिलीसेकंड वाली जॉब है उसको उठाएंगे और उसको सीपीयू एलोकेट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह जो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम है ये इस तरह से काम कर रही है। ये वही डिसीजन है कि आपने जो सीपीयू बर्स्ट है उसको कैसे कैलकुलेट करना है, उसके दो ऑप्शन हमने देख लिए हैं। जो फार्मूला एक नॉर्मली यूज होता है उसको भी अभी हम देखते हैं, पहले हम इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये चार प्रोसेस हैं, P1, P2, P3, P4। P1 का जो बर्स्ट टाइम है वो 6 साइकल्स हैं, P2 का जो है वो 8 साइकल्स हैं, P3 जो है उसका रनिंग टाइम जो है वो 7 क्लॉक साइकल्स है, और P4 जो है उसका रनिंग टाइम जो है वो 3 है। अब इसको अब हम ये सपोज करते हैं कि सारे जो है वो एक ही टाइम पे अराइव हुए हैं, यानी एट टाइम 0 हमारे पास ये चारों प्रोसेसेस जो है ये मौजूद थे, तो इसमें हमने शॉर्टेस्ट जो है उसको पहले स्केड्यूल करना है, तो उसमें हमें पता है कि P4 जो है वो एग्जीक्यूट होगा, 0 से 3 तक वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जब ये अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा तो उसके बाद जो बाकी 3 रह जाएंगे 6, 7 और 8, इसमें हमें ये नजर आ रहा है कि 6 जो है इसका रिमेनिंग, सॉरी इसका जो बस टाइम है वो सबसे कम है, तो उसके बाद हम P1 जो है उसको एग्जीक्यूट करेंगे 3 से लेकर 9 तक जो है,
ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद 7 और 8 वाले जो है 2 रह जाते हैं, तो उसमें से 7 वाला P3 एग्जीक्यूट करेंगे, और उसके बाद चूंकि 1 ही रह जाएगा तो उसकी उसी को हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम इसका वेटिंग टाइम जो है उसको एग्जीक्यूट करें, उसको उसको कैलकुलेट करें, तो वो कितना आएगा हमारे पास? वेटिंग टाइम आएगा, यानी पहला आया उसको कोई वेट नहीं करना पड़ा, दूसरा आया उसको 3 मिली सेकेंड वेट करना पड़ा, तीसरा आया उसको 8 मिली सेकेंड वेट करना पड़ा। सॉरी, इसको हम दोबारा से देखते हैं। मुझे कुछ इसमें अगर हम ये देखें कि जो P4 है, नहीं ये कोई क्वेश्चन है किसी का? अच्छा, मैं एवरेज वेटिंग टाइम के ऊपर दोबारा आपको बता रहा हूँ कि अगर आप देखें कि P4 जो है वो 0 के ऊपर आया और 0 के ऊपर उसे CPU मिल गया, तो उसे कोई वेट नहीं करना पड़ा, उसका टाइम जो था वो 0 मिलीसेकंड था। उसके बाद हमारा P1 एग्जीक्यूट हुआ। P1 जब एग्जीक्यूट हुआ तो मुझे कुछ स्टूडेंट्स को एडमिट करना है, यहाँ पे मैं वो कर लूँ एक दफा से। P1 का टाइम देखें कि उसको कितना वेट करना पड़ेगा। P1 को जो है वो 3 मिलीसेकंड जो है वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 0 पे आया और 3 पे उसको CPU एलोकेट हो गया। उसके बाद हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट जो है वो कौन सा प्रोसेस जो है वो स्केड्यूल हुआ, वो P3 था, उसको कितना वेट करना पड़ा, उसको 9 मिलीसेकंड वेट करना पड़ा कि 0 पे आया और 9 के ऊपर उसको CPU मिल गया। तो ये P3 की वैल्यू है कि P3 को 9 मिलीसेकंड वेट करना। इसी तरह P2 जो है वो उसको 16 मिलीसेकंड पे CPU मिला और 0 पे वो यहाँ पे पहुंचा था, तो उसको 16 मिलीसेकंड जो है वो लगे। तो इन तीनों को, इन चारों को सम करने के बाद जब एवरेज हमने लिया तो वो 7 मिलीसेकंड लिया। तो ऑप्टिमल ये टाइम है, ऑप्टिमल एवरेज वेटिंग टाइम है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी और एल्गोरिदम लगा लेंगे तो आप 7 मिलीसेकंड से या आप 7 क्लॉक साइकिल जो है उससे कम आपको एवरेज वेटिंग टाइम कभी भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो है कि नेक्स्ट हमने कहा था कि जी जो नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट है कि जो प्रोसेस है वो कितना टाइम लेगा या जॉब कितना टाइम लेगी, उसका क्या तरीका है। तो एक तो हमने कहा था जी कि यूजर से ले लें, दूसरा हमने कहा था जी कि जो है वो एक एस्टिमेट कर लें। एस्टिमेट करने के लिए एक फार्मूला इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। उस फार्मूले में अब ये देखें कि ये चीजें हैं, ये जो है इसको हम कहते हैं टाउ, N+1 उसका सबस्क्रिप्ट है। टाउ ऑफ N+1 का मतलब ये है कि प्रेडिक्टेड जो बर्स्ट टाइम है ऑफ द नेक्स्ट प्रोसेस एट टाइम N+1, यानी अगर N+1 टाइम के ऊपर जो है वो आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इस प्रोसेस का जो है वो टाइम क्या होगा, विच इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स T(n)। अच्छा, अल्फा के बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। T(n) जो है वो करंट बर्स्ट टाइम है, यानी जो nth इंटरवल था, nth टाइम इंटरवल था, उस पे जो एक्चुअल बर्स्ट टाइम है। टी और टाउ में जो जब भी हम डिफरेंस करेंगे तो टी जो होगा वो एक्चुअल टाइम होगा, टाउ जो होगा वो आपका जो है वो एस्टिमेटेड टाइम होगा। यानी T(n) अगर मैं कहता हूँ तो मैं कहता हूँ कि जी जो nth इंटरवल था उसके ऊपर आपका CPU बर्स्ट कितना था। अगर मैं टाउ ऑफ एन कहता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैं ये, इसका मतलब ये होगा कि nth जो इंटरवल है उस पे जो प्रेडिक्टेड वैल्यू थी वो कितनी। तो टाउ ऑफ N+1 का मतलब ये है कि हम नेक्स्ट जो इंटरवल है उसके लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू अल्फा इंटू टाउ T(n), यानी अल्फा इंटू T(n) के जो एक्चुअल टाइम था nth इंटरवल के ऊपर प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू टाउ ऑफ एन। अब इसकी एवरेज हो रही है। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे T(n) है और दूसरी साइड पे T(n) है, एक को आप अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक को आप 1 माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी आप एक्चुअल टाइम को पिछले टाइम इंटरवल पे जो एक्चुअल टाइम था और जो प्रेडिक्टेड टाइम था उसको कुछ ना कुछ वेट दे रहे हैं।
अब अल्फा की वैल्यू जो है वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान वेरी करेगी। अगर आप अल्फा की वैल्यू जो है वो 0.5 कर देते हैं, तो अल्फा जो है वो भी 0.5 है, 1 माइनस अल्फा जो है वो भी 0.5 होगा, तो इन दोनों का जो वेटेज है वो इक्वल हो जाएगी, यानी टी ऑफ एन की और टाउ ऑफ एन की जो वेटेज है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टाउ ऑफ एन प्लस वन वो इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अगर आप अल्फा की वैल्यू को 0.5 से बढ़ा देते हैं, लाइक आप 0.7 कर देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप एक्चुअल टाइम को ज्यादा वेटेज दे रहे हैं और जो आपने प्रिडिक्शन की थी उसको आप कम वेटेज दे रहे हैं। अगर मैं अल्फा 0.7 कर दूंगा तो टी ऑफ एन 0.7 से मल्टीप्लाई होगा और जो टाउ ऑफ एन है वो 0.3 से मल्टीप्लाई होगा और उसके ये दोनों जो है वो आपस में ऐड। इसको एक्सपोनेंशियल एवरेजिंग भी कहते हैं। एक्सपोनेंशियल एवरेजिंग किस तरह से होगी, यहाँ पे तो हमें एक वेटेड एवरेज नजर आ रही, लेकिन अगर हम इसको बार बार एक्सपेंड करना शुरू कर देंगे, एक्सपेंड जो है उसकी आगे एक उन्होंने एग्जाम्पल भी दी हुई है, उसको वहां पे जाकर डिस्कस करते हैं। ये उन्होंने एक बताया हुआ है कि अगर हम इस फार्मूला से कैलकुलेशन करते हैं और इनिशियली हमारा टी ऑफ आई जो है वो 6 था और हमारा टाउ ऑफ आई जो है वो 10 था, यानी एक्चुअल जो टाइम था वो 6 साइकल्स था और जो हमने प्रेडिक्ट किया वो 10 था, तो अगर हम इसी फार्मूले के तहत जो है वो हमारे एक्चुअल सीपीयू बस ये जा रहे हैं और हमारा गैस या हमारा जो एस्टिमेट है वो इस यहाँ पे आ रहा है, तो अगर हम इसी फार्मूले से प्रेडिक्ट करते रहे तो ये देखें ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये आपके पास एक्चुअल टाइम्स की है और ये हमारी प्रेडिक्शंस की है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी प्रेडिक्शन जो है ये अप्रोच कर रही है एट द एंड, यानी ये बिल्कुल करीब आ रही है आपके जो एक्चुअल वैल्यूज हैं उनके करीब आ रही है। ठीक है, और ये कब करीब आ रही है, जब हमारे पास जो पिछले तीनों इंटरवल्स थे उनके ऊपर जो टाइम था वो बिल्कुल सेम था, सेम ना भी हो सिमिलर हो, यानी एक जैसा होगा, यानी अगर आपके पास बस टाइम जो है वो एक जैसे होंगे तो हमारे पास जो सीपीयू हमारी जो एस्टिमेशन है वो इट विल गेट क्लोजर टू द एक्चुअल वैल्यू। उसके बाद ये वो चीज है जिसमें हम ये कह रहे थे कि इसको हम देखेंगे कि ये एक्सपोनेंशियल एवरेजिंग किस तरह से है। तो हमने सिंपली फार्मूला ये देखा था कि टाउ ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू टाउ ऑफ टी अल्फा इंटू टी ऑफ एन प्लस वन माइनस अल्फा इंटू टाउ ऑफ एन। ठीक है, तो अगर हम अल्फा जो है उसको 0 पुट कर देते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट प्रेडिक्शन है वो प्रीवियस प्रेडिक्शन के बराबर है। ठीक है, यानी अल्फा अगर 0 होगा तो 1 माइनस अल्फा जो है वो किसके बराबर होगा, 1 माइनस अल्फा जो है 1 के बराबर होगा, तो टाउ ऑफ एन प्लस वन जो है वो टाउ ऑफ एन के बराबर है, यानी हम पिछले पिछली प्रेडिक्शन को ही ले रहा है। अगर हम अल्फा जो है 1 के बराबर सेट कर देते हैं तो हम प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली जो पिछला एक्चुअल सीपीयू बर्स्ट था उसको ले रहे हैं एज द प्रेडिक्शन ऑफ द नेक्स्ट इंटरवल। अच्छा, यहाँ पे हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं कि टाउ ऑफ एन जो है वो इसके बराबर था अल्फा टी ऑफ एन के, अल्फा टी ऑफ एन तो जब उसी तरह से रहना, लेकिन यहाँ पे था 1 माइनस अल्फा और साथ में था टाउ ऑफ एन। ठीक है, टाउ ऑफ एन जो है उनको उसको उन्होंने फर्दर एक्सपेंड कर दिया, यानी टाउ ऑफ एन किसके बराबर होगा, अल्फा टी ऑफ एन माइनस वन प्लस 1 माइनस अल्फा टाउ ऑफ एन माइनस वन। इसी तरह जो टाउ जो टाउ ऑफ एन माइनस वन होगा उसको आप फर्दर एक्सपेंड कर देंगे इन टर्म्स ऑफ टाउ ऑफ एन माइनस टू के, इसी तरह टाउ ऑफ एन माइनस टू जो है उसको आप एक्सपेंड कर देंगे इन टर्म्स ऑफ टाउ ऑफ एन माइनस थ्री के। तो इस तरह से ये जो है ये चलता रहेगा जब तक कि आप टाउ ऑफ वन पे नहीं पहुंच जाते, यानी जब तक आप बेस टाइम के ऊपर नहीं पहुंच। तो जब ये अल्फा और वन माइनस अल्फा जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे बार बार, तो इसकी पावर जो है वो जे के बराबर आ जाएगी। ठीक है, 1 माइनस अल्फा रेस पर जे इंटू अल्फा टी ऑफ एन माइनस जे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 1 माइनस अल्फा रेस पर एन प्लस वन टाउ ऑफ 0, यानी जब आप टाउ ऑफ 0 तक पहुंच रहे हैं, जब आप 0th इंडेक्स के ऊपर पहुंच रहे हैं, तो आपका जो 1 माइनस अल्फा है उसकी पावर जो है वो एन प्लस वन। इसलिए आप ये कहते हैं जी कि ये एक्सपोनेंशियल एवरेजिंग है। एक्सपोनेंशियल एवरेजिंग में आपके पास जो हर एक जो नेक्स्ट टर्म आ रही है उसका वेट कम है और आपके पास जो पहली टर्म्स आ रही है यानी जो लेफ्ट साइड पे टर्म्स आएंगी उसका वेटेज ज्यादा होगा, और
और जो राइट साइड पे टर्म्स आएंगे उनका वेटेज कम होगा। उसकी वजह क्या है कि आपके पास ये वाले जो पैरामीटर्स हैं इनकी पावर इंक्रीज हो रही है। अब ये वाले जो पैरामीटर हैं ये जो कि 0 और 1 के दरमियान है, आपको ये भी पता है कि 0 और 1 के दरमियान आप कोई भी चीज जो है उसको अगर रेज टू पावर एन करें, रेज टू पावर इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर पावर एन करें, तो उसकी वैल्यू जो है वो कम हो रही होती है। इसकी एग्जाम्पल अगर आप ये देख लें कि 0.5 का स्क्वेयर जो है वो 0.25 के बराबर है, विच इज एक्चुअली लेस देन 0.5। तो अगर आप उसकी पावर इंक्रीज करते रह जाएंगे, लाइक अगर आप 0.25 का स्क्वेयर की जो पावर है वो 10 तक ले जाएंगे, तो ये बिल्कुल 0 के करीब एक वैल्यू बन। इसी तरह अगर आपकी वैल्यू जो है वो 0.999 भी है लेकिन स्टिल इट इज बिटवीन 0 एंड 1, तो अगर इस वैल्यू को आप रेज टू पावर 100 करेंगे तो ये वैल्यू भी तकरीबन 0 की तरफ आना शुरू हो जाएगी, बहुत कम होना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जितनी भी सक्सेसिव टर्म्स हैं जो कि एंड पे आ रही हैं उनका वेट जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि उनका जो मल्टीप्लायर है उनके साथ जो हम चीज मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो कम होती जा रही है। एग्जाम्पल ऑफ शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, इस एल्गोरिथम को देखते हैं कि यहाँ पे हमने साथ अराइवल टाइम भी बता दिया कि P1 0 पे अराइव हुआ, P2 1 पे हुआ, P3 2 पे हुआ, P4 जो है वो 3 पे हुआ। अब अगर हम टाइम के लिहाज से देखें तो 0 के ऊपर तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम सिवाय इसके कि हम P1 जो है उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दें, क्योंकि 0 के ऊपर और कोई प्रोसेस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि P1 जो है उसको CPU जो है एलोकेट कर देते हैं। उसके बाद वो एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है, 0 से 1 तक वो एग्जीक्यूट करता है। 1 के ऊपर आके आपको ये पता चलता है कि जी देयर इज एन अदर प्रोसेस, ठीक है, जिसका के बर्स्ट टाइम जो है वो 4 मिली सेकेंड, ठीक है, और इसका रिमेनिंग टाइम अभी कितना रहता है, इसने अभी 1 सेकंड जो है एग्जीक्यूट किया, इसको 7 सेकंड या 7 क्लॉक साइकिल या मिली सेकंड जो मरीज चाहिए। तो आप ये कहते हैं जी कि इससे प्रीएम्प्ट करो, इससे सीपीयू छीन लो और इसको जो सीपीयू है वो P2 को दे दो। P2 को सीपीयू मिल जाता है तो वो एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है, 1 से लेकर 5 तक जो है वो एग्जीक्यूट करता है, लेकिन एवरी क्लॉक साइकिल वो ये देखता है कि क्या कोई ऐसा प्रोसेस तो नहीं है जिसका रिमेनिंग टाइम जो है वो P2 से कम रह गया होगा, ठीक है, यानी 2 पे भी हमें प्रोसेस मिल जाता है लेकिन उसका जो बर्स्ट टाइम है वो 9 मिली सेकंड है, विच इज लेस देन 3, ठीक है, यानी 1 सेकंड बाद चेक किया तो P2 का अपना कितना रह जाएगा, 3 रह जाएगा, लेकिन जो नया प्रोसेस आया उसका 9 रह जाएगा। उससे अगले मिली सेकंड में चेक करेंगे 3 के ऊपर, टाइम 3 के ऊपर, तो आपको पता चलेगा कि P4 भी आ गया, उसका बस टाइम 5 मिली सेकेंड है, लेकिन P2 जो है उसका अपना जो टाइम है वो 2 मिली सेकेंड रह गया, तो तब भी आपका जो है प्रीएम्पशन नहीं होगी और P2 कंप्लीट कर जाएगा। अच्छा, अब सारे प्रोसेस जो है वो आ चुके हैं और P2 जो है वो एग्जीक्यूट कर चुका है, उसके बाद जो बाकी प्रोसेस रह गए हैं उसमें हमें पता है कि P4 जो है उसका रिमेनिंग टाइम जो है वो 5 मिली सेकेंड है, उसको हम देते हैं प्रोसेस, वो कंप्लीट करता है 5 से 10 तक, और ये हर एक टाइम इंटरवल के बाद ये चेक कर रहा है कि क्या कोई ऐसा प्रोसेस तो नहीं है जिसका रिमेनिंग टाइम मेरे रिमेनिंग टाइम से कम रह गया, तो ऐसा उसे नहीं मिलता। जब P4 एग्जीक्यूट कर चुका होता है तो उसके बाद जो है वो P1 को आप एग्जीक्यूट करते हैं 10 से लेकर 17 तक, क्योंकि P1 और P3 में से अगर आप देखते हैं तो P1 का जो रिमेनिंग टाइम है वो 7 मिली सेकेंड रह गए, 1 मिली सेकेंड उसने पहले एग्जीक्यूट कर लिया, तो आप P1 को देते हैं 10 से 17 तक और बाकी जो टाइम बचता है वो P3 को आप देते हैं। यहां से अगर आप वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं तो P1 का जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो कितना है, ऑल्दो आपने उसको 0 से 1 तक भी एक दफा सीपीयू दिया, दोबारा उसको 10 पे मिला, तो आप ये देख रहे हैं कि आपने 10-1 किया, यानी 10-1 का मतलब ये है कि 1 मिली सेकंड पे वो सीपीयू उससे वापस लिया गया था और 10 पे उसको दोबारा दिया गया, यानी इस इन 9 मिली सेकंड के लिए वो रेडी क्यू में वेट करता था। उसके बाद नेक्स्ट जो है P2, वो 1 मिली सेकंड पे पहुंचा, उसको 1 पे ही सीपीयू मिल गया, तो उसका वेटिंग टाइम जो है वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 17-2, दिस इज फॉर P3, ठीक है, यानी इसको P3 जो है
उसको 17 के ऊपर सीपीयू मिला, लेकिन उसका अराइवल जो था वो 2 सेकंड पे था, 2 मिलीसेकंड पे, तो उसका 15 मिलीसेकंड जो है वो वेटिंग टाइम बनेगा। P4 जो है वो आपके पास जो है वो 5-3 है, यानी वो 3 मिलीसेकंड जो है उस पर वो अराइव हुआ, ठीक है, और 5 के ऊपर जो है उसे सीपीयू मिलना शुरू हो गया, तो 5-3 जो है उसका वेटिंग टाइम होगा। इनको सम करके आप उसका एवरेज ले सकते हैं, तो वो आपके पास एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा। मेन चीज जिसमें जो आपको बताने वाली थी वो ये थी कि ये वाली जो एंट्रीज हैं ये किस तरह से कैलकुलेट हुई। राउंड रॉबिन, राउंड रॉबिन बिल्कुल वही एल्गोरिथम है जिसको हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी कहते हैं, सिवाय इसके कि यानी आपका वही फीफो क्यू होगा कि जो क्यू के एंड के ऊपर जो जॉब लगी हुई है उसको आप निकालेंगे, उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे। अब इसमें ये होगा कि इसमें प्रीएम्पशन भी होगी। प्रीएम्पशन किस बेस के ऊपर होगी कि आप यहाँ पे ना हर एक जो प्रोसेस है उसको एक बस जो है वो एलोकेट कर देंगे, जिसको आप कहते हैं टाइम क्वांटम। और जब आपके टाइम क्वांटम जो है वो एक्सपायर हो जाएगा, तो टाइम क्वांटम एक्सपायर होने के बाद आप उससे सीपीयू ले लेंगे, और सीपीयू जो है वो नेक्स्ट जॉब जो है आपके पास रेडी क्यू में उसको उठाएंगे और उसको आप सीपीयू दे। अच्छा, अब इसमें जो है सीपीयू का टाइम जो है वो हर एक प्रोसेस को मिलता है, यानी वन वन ओवर एन ऑफ सीपीयू टाइम जो है वो हर प्रोसेस को मिलता है, और इन चंक्स ऑफ क्यू टाइम इंटरवल मिलता है, यानी क्यू जो है वो आपका टाइम क्वांटम, चाहे वो 10 मिलीसेकंड हो चाहे वो 100 मिलीसेकंड। उसके बाद जो वेटिंग टाइम है उसके ऊपर आपकी अपर बाउंड है कि आपका कोई भी प्रोसेस जो है चाहे वो एंड ऑफ क्यू के ऊपर भी लगा हुआ है वो उसका वेटिंग टाइम n-1 / q के बराबर नहीं होगा, ठीक है। और एन जहाँ पे आपके पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं या टोटल नंबर ऑफ जॉब्स जो है वो एन है, तो अगर आपका एक प्रोसेस है वो क्यू के एंड के ऊपर लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि उसने n-1 जॉब्स के लिए जो है वो वेट करना है कि वो अपना क्वांटम कंप्लीट करे, और n-1 जॉब्स जो है वो कितने टाइम में अपना क्वांटम कंप्लीट कर लेंगी, एक जॉब जो है वो क्यू में करेगी और n-1 जो है वो n-1 * q टाइम में अपना टाइम क्वांटम कंप्लीट कर लेंगी, और nth जॉब जो है उसको सीपीयू मिल जाएगी, तो आपका वेटिंग टाइम जो है वो मैक्सिमम है। अब ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे है कि जब भी आपका क्वांटम एक्सपायर होता है आपका एक इंटरप्ट जनरेट हो जाता है, उसकी जो सर्विस रूटीन है वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करती है, वो जो करंट प्रोसेस उसको बाहर निकाल देती है, नया प्रोसेस जो उसको अंदर ले आती है। अगर तो आपका टाइम क्वांटम जो है वो लार्ज होगा तो आपकी एल्गोरिदम तकरीबन उसी तरह से चलेगी जिस तरह फीफो है, उस तरह से क्यों चलेगी, अगर बहुत बड़ा टाइम क्वांटम है तो उस तरह से वो इसलिए चलेगी कि आपके टाइम क्वांटम के अंदर ही ज्यादातर जॉब्स जो हैं वो अपने एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर, तो क्वांटम जो है वो अगर स्मॉल होगा, वो कहता है जी कि ये इतना स्मॉल नहीं होना चाहिए, मतलब इट मस्ट बी कंपेरेबल टू द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में आपको पता है कि जो काम हम करते हैं वो वेस्टेज होता है, उसका हमें कोई फायदा नहीं है, वो ओवरहेड होता है। तो अगर आपको 10 मिलीसेकंड जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में लग रहे हैं और 10 का ही आपका क्वांटम है, तो आप उतना टाइम काम कर रहे हैं और उतना टाइम जो है वो आप जाया कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो प्रोसेस P1 है, उसका बर्स्ट टाइम P2 का 3 है, P3 का भी 3 है, और P1 जो है उसका बर्स्ट टाइम जो है 24 है। अब यहाँ पे टाइम क्वांटम 4 है जिसके तहत आप जो है वो अपने एल्गोरिदम कर रहे हैं, और चूंकि इसमें हम देखते हैं उसी तरह से कि जिस ऑर्डर में ये आ रहे हैं उसी तरह से आप इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो P1 है उसको सीपीयू मिलेगा, उसको टाइम क्वांटम अपना पूरा मिलेगा, 0 से 4 तक वो एग्जीक्यूट कर रहा है, 4 के ऊपर उसका टाइम क्वांटम खत्म हो जाएगा और आप P2 को ले आएंगे, ठीक है। P2 जो है उसको 4 मिलने थे लेकिन वो 3 में एग्जीक्यूट कर गया, और 7 के ऊपर जो है वो P2 टर्मिनेट हो गया। 7 के बाद नेक्स्ट सॉरी जो P2 के बाद नेक्स्ट जो जॉब थी वो P3 थी, 7 पे उसको सीपीयू मिला और 10 पे वो टर्मिनेट कर गया। उसके बाद क्या हो रहा है कि 10 से 14 तक आप P1 को देख रहे हैं, फिर आप ये देख रहे हैं कि कोई और प्रोसेस है जिसको सीपीयू दिया जा सकता है, अगर नहीं है तो आप उसी को एक और जो है वो क्वांटम जो है वो एलोकेट कर देते हैं। 14 से 18 तक P1 का क्वांटम है, फिर आप चेक करते हैं, फिर आप 18 से 22 तक P1 को एक क्वांटम देते हैं, फिर 22 से 26 तक और 26 से 30 तक, अंटिल के आपका P1 जो है वो भी अपना जो है वो कंप्लीट कर देता है, प्रोसेस खत्म हो जाता है।
तो यहाँ पे वही चीजें लिखी हैं जो हमने लास्ट स्लाइड में देखी थी कि टर्न अराउंड टाइम जो है इसका जो टर्न अराउंड है वो है, जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है उससे ज्यादा होता है, लेकिन बेटर रिस्पॉन्स टाइम होता है। बेटर रिस्पॉन्स इस वजह से होता है कि मतलब प्रोसेस जो है उनको ये लग रहा होता है कि हमारा काम जो है वो हो रहा है, और एक्चुअली हो भी रहा होता है क्योंकि उनको टाइम क्वांटम मिल रहा होता है। यहाँ पे वही चीज है जिसको हमने देखा था कि जो क्यू का की वैल्यू है वो आपके कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के टाइम से जो है वो बड़ी होनी चाहिए, ताकि आप ज्यादा टाइम जो है वो एक्चुअल काम करें और थोड़ा टाइम जो है वो रिलेटिवली थोड़ा टाइम जो है वो आपको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में लगे। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें कि आपका एक प्रोसेस है उसका टाइम जो है वो 10 मिलीसेकंड है, और अगर आप क्वांटम जो है टाइम क्वांटम राउंड रॉबिन में 12 रखते हैं तो आपको कोई भी कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप 6 मिलीसेकंड का टाइम क्वांटम रखते हैं तो आपको एक कॉन्टेक्स्ट स्विच करना पड़ेगा, दूसरी दफा जब उसे प्रोसेस मिलेगा तो वो कंप्लीट कर जाएगा। इसी तरह अगर आप एक का टाइम क्वांटम रखते हैं, 1 मिलीसेकंड का ये क्लॉक साइकिल का, तो आपको 9 कॉन्टेक्स्ट स्विच करने पड़ेंगे। और अगर आप का वही एग्जांपल हम ले लेते हैं कि आपका जो कॉन्टेक्स्ट स्विच है उसको भी 10 मिलीसेकंड लग रहा है, तो 10 टाइम्स 9 जो है वो 90 मिलीसेकंड जो है वो आप बेसिकली जो है वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर रहे होंगे, और 10 मिलीसेकंड जो है वो आप एक्चुअल काम कर रहे हैं। यहाँ पे है कि टर्न अराउंड टाइम जो है वो वेरी होता है किस तरह से आपका टाइम क्वांटम। टर्न अराउंड टाइम की लास्ट टाइम हमने जो है वो डेफिनेशन पढ़ी थी। टर्न अराउंड टाइम ये होता है कि एक प्रोसेस जब आप उसको सबमिट करते हैं तो उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, ठीक है, यानी प्रोसेस को जब आप सबमिट करते हैं तो उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। तो टाइम क्वांटम के साथ ये उसकी ग्राफिंग की गई है कि अगर आपका टाइम क्वांटम 1 होगा तो आपका जो टर्न अराउंड टाइम एवरेज है वो 11 के करीब है, अगर आप 2 पे ले जाते हैं तो ये टाइम क्वांटम को तो आपका जो है 11.5 पे आ जाते हैं, अगर आप दोबारा 3 पे ले जाते हैं तो आपका टाइम क्वांटम जो है यानी आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम वो डिक्रीज होता है बिलो 11, समवेयर बिलो 11, और 12 पे से ऊपर ये चला जाता है जब आपका टाइम क्वांटम जो है वो 5 हो, और एक पॉइंट आता है जब आप 6 और उससे ऊपर ले जाते हैं कि आपका जो एवरेज टर्न अराउंड टाइम है वो कांस्टेंट हो जाता है। ये सारी चीजें जो है वो पर्टेन कर रही हैं इस प्रोसेस लिस्ट के साथ, ठीक है, इस प्रोसेस लिस्ट के साथ। अगर आप इस चीज को देखें कि यहाँ पे ये कांस्टेंट क्यों हो जाता है कि जब आप टाइम क्वांटम को 6 या उससे ज्यादा कर देते हैं तो आप ये देखेंगे कि 6 या उससे ज्यादा, 6 और 7 में जो है वो आपका मैक्सिमम जो बड़े से बड़ा प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट करके, तो उसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं हो रही, ठीक है, उसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं हो रही। उसमें जब भी आपको सीपीयू मिल रहा है तो आप कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं हो रही से मुराद ये है कि एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं हो रही। जब भी एक प्रोसेस को एक जॉब को सीपीयू मिलता है वो जो है वो अपने टर्मिनेशन तक जो है वो एग्जीक्यूट करता है और टर्मिनेट हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है वो एग्जीक्यूट होता है टर्मिनेट हो जाता है, फिर नेक्स्ट आता है वो एग्जीक्यूट और टर्मिनेट हो जाता है। इसलिए जब आपके एवरेज यानी आपके प्रोसेस जो है वो फिट आ रहे हैं आपके क्वांटम के अंदर तो इस तरह से ये तकरीबन आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, कांस्टेंट वैल्यू बन जाती है। उसके बाद है प्रायोरिटी स्केजुलिंग, इसी को हम जल्दी से देखते हैं। प्रायोरिटी स्केजुलिंग का मतलब ये है कि हर एक प्रोसेस जो है उसको आप एक प्रायोरिटी असाइन करते हैं, और जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है उसको आप सीपीयू टाइम पहले दे देते हैं। इसमें जो कन्वेंशन है वो इंटीजर नंबर से आप प्रायोरिटी जो है वो उसको जाहिर करते हैं, और सबसे छोटा नंबर जो है वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उसकी होती है। इसमें भी दो चीजें हैं कि प्रियम्प्टिव है नॉन प्रियम्प्टिव है। प्रियम्प्टिव का मतलब ये है कि आप एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एक नया प्रोसेस आता है जिसकी प्रायोरिटी इससे भी ज्यादा है, तो क्या आप इसको प्रियम्प्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है, तो प्रियम्प्टिव में आप उसको निकाल देते हैं और ज्यादा प्रायोरिटी वाले को ले आते हैं। नॉन प्रियम्प्टिव में आप ये करते हैं कि आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद ये देते हैं। अब उसमें साथ ये लिखा है कि जो एसडीएफ है जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, ये भी एक तरह की प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है जिसमें आप प्रायोरिटी उसको देते हैं जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम होता है।
इसमें प्रॉब्लम क्या है, स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब ये है कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा प्रोसेस ऐसे आ रहे हैं जिनकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो कुछ ऐसे प्रोसेस होंगे जिनकी प्रायोरिटी लो है, उनको कभी भी सीपीयू टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा प्रायोरिटी वाले जो प्रोसेस हैं वो हमेशा सीपीयू टाइम पे कब्जा किए बैठे होंगे। उसका सोल्यूशन ये है कि एजिंग। एजिंग का मतलब ये है कि जब आपका टाइम जो है वो पास होता जाएगा, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप अपना जो सीपीयू, अपने जो प्रोसेस हैं उनको आप छोटे क्यूज से बड़े क्यूज के ऊपर जो है वो, यानी उसकी प्रायोरिटी को आप इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक है। तो अभी टाइम जो है वो एक मिनट से कम रह गया है, आपने दोबारा ज्वाइन करना है इसी, बल्कि मैं आपको दोबारा लिंक शेयर करूंगा। तो ये आपके पास एक एग्जांपल है कि बस टाइम है, प्रायोरिटी है P1 से लेकर P5 तक। तो सबसे जो ज्यादा प्रायोरिटी है हम देख रहे हैं कि P2 की है, 1। तो 0 से 1 तक P2 को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो P5 हमारे पास है, उसकी प्रायोरिटी 2 है, उसको मिल रहा है। उसके बाद P1 की प्रायोरिटी 3 है, उसको मिल रहा है। उसके बाद P3 की प्रायोरिटी है, उसको मिल रहा है। और P4 की प्रायोरिटी है सबसे कम है।